गाड़ी चला भाई। मजा आया ना? अरे यहाँ बोट रोकिए ना, थोड़ी देर के लिए बोट रोकिए प्लीज 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 प्लीज। हाथ दो ना। ये क्या हो रहा है अर्जुन? ये वो अध्यात्मिक यज्ञ है निशा, जिसमें सन्यासी जब तक यज्ञ न समाप्त हो जाए ना अपना स्थान छोड़ सकते हैं ना अपना ध्यान तोड़ सकते हैं। मैं अभी उनका ध्यान तोड़कर दिखाती हूँ। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ कैसे हैं आप? हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? निशा यूं ही फसल गए? निशा मैं इनका बनने की कोशिश मत करो, इनका ध्यान नहीं टूटेगा चाहे मृत्यु आ जाए या प्रलय। शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम।
पर मैं सोचता हूँ एक बार अर्जुन से मिल तो लें। कोई जरूरत नहीं उससे मिलने की। अगर तुमने अर्जुन से जरा भी हमदर्दी दिखाई ना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कानून उसे नहीं छोड़ेगा और गुंडे हमें नहीं। लेकिन फिर भी एक बार अर्जुन से। अर्जुन का नाम एक बार भी लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। जाओ जाके तांगा या रिक्शा लेकर आओ। कमाल है, मुलजिम अर्जुन ने ना ही कोई जमानत की अर्जी दी है और ना ही अभी तक कोई उसकी जमानत लेने आया है। यहाँ साइन करना है? हाँ यही पर। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है अदालत में गवाही देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या मैं अर्जुन दीक्षित से मिल सकती हूँ? जी हाँ आइए। माँ साहब आपसे मिलने के लिए कई मरतबा मुझसे कह चुके हैं और मैं ये सोचकर नहीं बोला कि शायद आप उनसे मिलना ना चाहती हूँ। मैं अर्जुन दीक्षित से मिलना चाहती हूँ। माँ साहब आपसे मिलने निशा जी आई है। निशा, निशा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरा पूरा नाम है निशा चोपड़ा। मैं संगीता चोपड़ा की बहन हूँ। संगीता चोपड़ा याद है या भूल गए? संगीता चोपड़ा याद है? संगीता तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थाने जाता हूँ, अभी जाता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, संगीता चोपड़ा मेरी छात्रा है। संजय शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया मेरी आंखों के सामने। आप रिपोर्ट लिखिए ना। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट बैठिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, मैं संगीता चोपड़ा के रेप केस की ही बात कर रहा हूँ। उसके आई विटनेस मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर दीक्षित। जी जी बहुत अच्छा। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन पहले आप अपने घर जाइए। चाची, क्या हुआ? चाची, आपके यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनती है। संजय बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही थानेदार साहब ने मुझे सूचना दी कि आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर आप अपना एक कर्तव्य पूरा करते तो यहाँ घर पर आपका दूसरा धर्म अधूरा रह जाता। क्या मतलब? ये लीजिए चाकू, और इससे सबसे पहले अपनी बहन शिल्पा को काट डालिए। संजय बाबू, क्या है मां साहब, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो यकीनन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर एक दो दिन में मेरी जमानत हो ही जाएगी। उसके बाद आपकी जवान बहन के साथ जो कुछ होगा उसे देखकर आपको अफसोस होगा कि मैंने अपनी बहन को पहले ही क्यों नहीं मार डाला।
अरे माँ साहब इतना सोचिए मत। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए, ये लीजिए और मैं दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। अच्छा चाची चलता हूं, प्रणाम। अरे थानेदार साहब, भला मैं इसका बलात्कार क्यों करूंगा? ये राज्य नहीं, झूठ बोल रहा है। बलात्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साली तो खुद मेरे आगे पीछे घूमती है। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। इसे जवानी का एहसास भी मैंने ही कराया। आइए दीवान जी, दीवान जी आइए बैठिए। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। ए संगीता, मेरी जान, इतने पुराने ताल्लुकात को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, समझी? इस पे कसाब, आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। धीरज रखिए, आजकल वैसे भी औरतों के लिए कानून बहुत मजबूत हो गया है। मैं दीवान जी को अरेस्ट करके अभी हवालात के पीछे धकेल दूंगा। बस प्रोफेसर दीक्षित आकर गवाही दे दे। प्रोफेसर साहब, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, किस तरह संजय शर्मा ने मुझे जानवरों की तरह नोच डाला था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर दीक्षित, आप बताइए कि आपने क्या देखा था। हाँ मां साहब, आपको भगवान की सौगंध है, भाई बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। मैंने कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर साहब, आप तो तब थे ना वहां पर, बताइए ना। प्रोफेसर साहब, क्या हुआ था? 56 है, 56। पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है कि खर्चा पानी बढ़ा दो। मैंने इसे समझाया, महंगाई है, बात माल मचा दिया। साली चल जा, बढ़ा दूंगा तेरे पैसे। अरे संजय शर्मा में क्या फूल डाले थे? कांटे तो हमारे बिस्तर पे भी नहीं है। संगीता, पैसे तो हम भी दे देंगे। दीदी, आज पूरी दुनिया मुझे चरित्रहीन समझती है। प्रोफेसर दीक्षित यदि चाहते तो मुझे न्याय मिल सकता था, लेकिन चुप रहकर उन्होंने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, और ना ही कभी तुम उन्हें क्षमा करना। दीक्षित को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना।